छोटे छोटे मासूम बच्चों का गला कैसे काट सकता है, कोई बिना मतलब छोटे मासूम बच्चों की हत्या कैसे कर सकता है, कोई कैसे बच्चों की हत्या करके उनका खून पी सकता है, ये तमाम सवाल इस वक्त ना सिर्फ यूपी के बदायूं बल्कि पूरे देश में लोगों के जहन में घूम रहे हैं। बच्चों की हत्या करके उनका खून पीने वाली बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि यूपी के बदायूं में दो लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पड़ोस में रहने वाले दो छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। ये हैरान कर देने वाली वारदात बदायूं की बाबा कॉलोनी में घटी है, जहां बीते दिन यानी 19 मार्च की शाम दो सगे भाइयों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मरने वाले बच्चों के नाम आयुष उम्र 14 और आहान उम्र 6 साल थी। दो बच्चों की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, सनसनी मच गई। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और आरोपियों की बाइक और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना के 3 घंटे बाद ही दो आरोपियों में से एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है। ये दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। जिस घर में आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके सामने ही इनकी सलून की दुकान थी, जहां बच्चे अक्सर बाल कटवाने जाते थे। लेकिन सलून चलाने वाले दोनों भाइयों ने क्यों इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने आरोपियों के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अपने दो छोटे मासूम बच्चे के खून से लथपथ शव को देखकर उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की माँ संगीता ने बताया कि मंगलवार शाम साजिद और जावेद बाइक से उसके घर आए थे। जावेद बाइक लेकर बाहर खड़ा था, जबकि साजिद घर के अंदर आया और बोला कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। बच्चों की मां के मुताबिक उसने आरोपियों को पैसे दे दिए और उन्हें चाय पीने को कहा। इसके बाद जैसे ही संगीता चाय बनाने के लिए जाती है, तो साजिद आकर कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा छत पर टहल लेता हूँ। लेकिन छत पर जाकर साजिद ने उसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी। संगीता के मुताबिक उसका आरोपियों के साथ कोई विवाद नहीं था, फिर क्यों उन लोगों ने उसके बच्चों की हत्या कर दी, ये बात समझ से परे है। संगीता के तीसरे बेटे पीयूष ने बताया कि वो जैसे ही ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि साजिद उसके दोनों भाइयों को मार रहा है। वो लोग 10 मिनट तक जान बचाने की जंग लड़ते रहे। हत्यारे ने पीयूष को भी पकड़ लिया और मुंह दबाकर चाकू से वार किया, लेकिन बच्चों ने हथियार झटकते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो छत की तरफ भागा और शोर मचाने लगा। वहां भी आरोपी पीछे आया, लेकिन बच्चा उसे चकमा देते हुए वापस सीढ़ी से नीचे दौड़ पड़ा और शोर मचाने लगा। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटा कर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, लगी है। कहाँ लगी है? सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा, कुछ पता है आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? अब जैसे ही चीख पुकार मची, दोनों आरोपी साजिद और जावेद वहां से भाग खड़े हुए। वहीं मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी ने बताया कि साजिद जावेद घर आए और मुझसे बात करने लगे। मैंने उनसे बैठने को कहा और अंदर चाय बनाने चली गई। तभी बीच वाला पोता चिल्लाते हुए भागकर मेरे पास आया, बोला अम्मा ऊपर जाकर देखो। मैं ऊपर गई तो उन लोगों ने गेट बंद कर लिया। उनके पास एक बड़ा सा उस्तरा था, वो हमको भी मार देता, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई। मैं जब तक चिल्लाकर लोगों को बुलाती, तब तक वो घर से भाग गए। हमें कुछ नहीं पता कि उसने बच्चों को क्यों मारा। इसके अलावा बच्चों के पिता विनोद कुमार का कहना है कि मेरी आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार में किसी के भी बयान आपस में मेल नहीं खाते, और इसी वजह से ये केस अब और उलझता जा रहा है।
पुलिस जानकारी के बाद सामने आया है कि बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। वो यहाँ अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। घटना के समय किसी काम से बाहर गए थे। विनोद के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चों को इंसान के भेष में आए इन भेड़ियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के सैलून में जाकर तोड़फोड़ की और सामान को सड़क पर फेंक कर आग लगा दी। भीड़ ने मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर भी जाम लगा दिया। घर वालों ने शव लेने आई एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, तब जाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हाईवे से जाम हटवाया गया। उधर घटना की खबर मिलते ही एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और डीएम मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया। अब पुलिस का दावा है कि घटना के बाद बड़े अधिकारियों ने साजिद और जावेद की तलाश में 3 टीमें लगा दी। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस सिविल लाइन्स थाने के शेखपुरा जंगल में पहुंची। वहां पर टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलानी शुरू की और 1 गोली साजिद के पैर में लग गई। साजिद को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि साजिद की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। वो बाबापुरी इलाके का रहने वाला था। घटना का दूसरा आरोपी और साजिद का भाई जावेद अब भी फरार है। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटना प्रशासन और सरकार की नाकामी का नतीजा है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति जीरो है। अखिलेश ने बीजेपी पर हर घटना से राजनीतिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। तो इसका जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर पलटवार किया है। मौर्य ने कहा कि सपा में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है तो बदायूं मामले पर राजनीति ना करें। सपा और अपराधियों का संबंध यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। ये बहुत जघन्य अपराध है। 2 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो मामले में दर्ज एफआईआर में बच्चों के पिता विनोद कुमार ने बताया कि पैसा लेने के बहाने से घर में घुसे साजिद ने अपने भाई जावेद को भी अंदर बुला लिया था। जावेद, साजिद, आयुष और आहान को लेकर छत पर चले गए। विनोद की पत्नी संगीता पैसे लेने दूसरे कमरे में चली गई। वो जब तक पैसे लेकर आई, तब तक साजिद जावेद घटना को अंजाम दे चुके थे। वो दोनों सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके हाथ में खून से सनी हुई छुरी थी। उन्होंने संगीता को देखते हुए कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये देखकर संगीता घबरा गई और फिर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। लोगों ने साजिद को पकड़ लिया, लेकिन जावेद भाग गया। फिर साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपी साजिद वारदात के बाद फरार होने की कोशिश में था। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उसके पास पहुंची और आपसी मुठभेड़ में वो मारा गया। अब दोनों पक्षों में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इस बात का फैसला तो आगे की कार्रवाई में होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इन आरोपियों ने जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसकी सजा मौत से अलग तो कुछ हो ही नहीं सकती। और वैसे भी यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में सब जानते ही हैं। ऐसे में अगर यूपी पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए अपराधियों पर जो कार्रवाई की है, उससे अपराधियों में खौफ तो पैदा होगा ही। साथ ही उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में फिर कोई इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम न दे सके। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।